अस्सलाम वालेकुम। आलमी मीडिया ने भी इमरान खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। मोदी को इन हरकतों से ना रोका गया तो वादी में कत्लो गारत का खदशा बढ़ सकता है। आलमी मीडिया पर छिड़ने वाली नई बहस ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। खान साहब के खिताब ने आलमी रहनुमाओं को झंझोड़ना शुरू कर दिया है। कई अफराद अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक आर्टिकल के जरिए दुनिया को बताया है कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, मोदी को लगाम देना ताकतवर ममालिक का ही काम है। इमरान खान साहब के मौकफ की तायद दुनिया भर के रहनुमा कर रहे हैं। मकबूजा वादी के जवान भी मजीद तड़प के साथ आज़ादी की तहरीक को आगे बढ़ाने की जिद्दोजहद में मसरूफ हैं। ये बात भी सच साबित हो रही है कि मोदी अपने ही जलाए हुए आलाव में गिर रहा है। बैन अलाक़वामी सूरत हाल मोदी की सोच से यकसर मुख्तलिफ हो चुकी है। क्या खान साहब वादी के मुकदमे को जीत चुके हैं? इन सब की तफसील में जाने से पहले यहाँ हम आपको बताएं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, यूं तो भारतीय हुक्मरानों को सियासी और सफारती महाज पर कई बार मुंह की खाना पड़ी है, मगर अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में वजीर आजम इमरान खान ने जिस मौसर ढंग से वादी के मकीनों का मुकदमा आलमी बरादरी के सामने पेश किया है, इसके बाद से तो खुद भारतीय मीडिया को समझ नहीं आ रही कि इसकी हक गोई पर मबनी पाकिस्तानी मौकफ की किस तरह नफी करे। इसी तनाजर में ये बात भी अहम है कि नामवर आलमी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के इश्तराक से लिखा है कि दिल्ली के हुक्मरानों ने मकबूजा वादी में 80 लाख लोगों को यरगमाल बना रखा है। इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। जरीदे ने इंकशाफ किया कि जैसे ही मकबूजा वादी से कर्फ्यू उठा, वहाँ बदतरीन खूनरेजी का हकीकी खदशा मौजूद है और इस बात के कवि इम्कान हैं कि आने वाले दिनों में मकबूजा वादी और भारत के दीगर इलाकों में बड़े पैमाने पर मुस्लिम कुछ फसादात का ना खत्म होने वाला ऐसा सिलसिला चल निकले जिसके मंतकी नतीजे के तौर पर ना सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि आलमी अमन भी किसी बहुत बड़ी आजमाइश से दो चार हो सकता है। जरीदे की हक गोई पर भारतीय मीडिया में आग सी लगी हुई है और बेसरोपा इल्जाम तराशियों का लामुतनाही सिलसिला जारी है और वजीर आजम इमरान खान और पाकिस्तानी कौमी सलामती के इदारों खसूसन ISI के खिलाफ जी भर के जहर उगला जा रहा है। इन बेबुनियाद भारतीय इल्जामात का जायजा लेते हुए इत्तेदार पसंद मुबसरीन ने कहा कि भारत, इसराइल और चंद दीगर मुल्कों के खुफिया इदारे इस मनसूबा बंदी में मसरूफ हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा की नई मुहिम का आगाज किया जाए जिसके जरिए बैन अलाक़वामी बरादरी को ये तासर दिया जाए कि दर हकीकत पाकिस्तान और इसके बाज इदारे आलमी दहशत गर्दी को फरोग दे रहे हैं। दोस्तों, इस पस मंजर में हकीकत से तो तकरीबन हर बाखबर शख्स आगाह है कि दौरे हाजिर में सभी मुल्कों की दाखिली और खारजी पॉलिसियों और सियासी और दिफाई मनसूबा साजी में इंटेलिजेंस इदारों का किरदार बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। सरहदी तनाजात में उलझे मुल्कों के माबैन बाकायदा जंग तो आखिरी चारा कार की हैसियत रखती है जिसकी नौबत कम कम ही आती है, वगरना आमतौर पर अपने असर व नफूज को दूसरों की सरहदों में दाखिल करने और दूसरों के असर से बचने की खातिर सर्द जंग का एक अहम हमागीर अमल मुसलसल जारी रहता है। इस ज़मन और इस दौर की सर्द जंगों में ज़राए अब्लाग बहुत मौसर हथियार की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। सारी दुनिया इस हकीकत से बाखूबी आगाह है कि पाकिस्तान की हिकमत अमली रोज़े अव्वल ही से अमन व आश्ती और बकाए बाहमी के असूलों पर सख्ती से कार बंद रहने की आ रही है, जिस पर वो आज भी पूरी तरह से कायम है। मगर बदकिस्मती से भारत की सूरत में इसे एक ऐसा हमसाया मुयसर आया है जो शुरू ही से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता, लिहाजा इसने वतन अजीज में मुख्तलिफ लासानी ग्रोही और फिरका वराना तासुबात की सरपरस्ती का घनावना खेल जारी रखा हुआ है। यही वजह है कि हिंदुस्तानी खुफिया इदारे अपनी इस मकरूह जारहियत पर पर्दा डालने और आलमी रायामा की तवज्जो हटाने के लिए हमेशा से पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराते आए हैं कि पाकिस्तान भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है। इस भारतीय रवैये में गुज़श्ता कुछ अरसे से मजीद शिद्दत आ गई है और हिंदुस्तानी रहनुमा और दीगर हुकूमती अनासर इल्जाम की तकरार कर रहे हैं कि पाकिस्तानी इदारा ISI भारत और दीगर मुल्कों में नापसंदीदा सरगर्मियों को बढ़ावा दे रहा है। दोस्तों, कुछ अरसा पहले भारत की जानिब से ये इल्जाम किया गया कि ISI ना सिर्फ भारत में जारी अलहदगी तहारीक की सरपरस्ती कर रही है। इस रविश की शिद्दत का अंदाजा इस अमर से किया जा सकता है कि कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने इस बेबुनियाद इल्जाम को एक से जायद मरतबा दोहराया और भारत की गुज़श्ता इंतखाबी मुहिम में मोदी ने आम आदमी पार्टी के सरबरा अरविंद केजरीवाल को ISI का एजेंट करार दिया। ताहम कई दानिशवरों की राय है कि भारत की हालिया रविश को महज प्रोपेगेंडा समझकर नजरअंदाज करना किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं है,
क्योंकि बज़ाहिर ये रवैया इन खदशात को तकवीत फराहम करता है कि भारत और इसराइल के खुफिया इदारे चंद दूसरे मुल्कों के इश्तराक से पाकिस्तान के अंदर किसी बड़े और घनाउने खेल में मसरूफ हैं और अपने मनफी अजायम की तकमील के खातिर बलोचिस्तान, कराची, फाटा और दीगर इलाकों में बदअमनी को फरोग दे रहे हैं और अपनी इस रविश को छुपाने के लिए उल्टा पाकिस्तान को मोर्दे इल्जाम ठहराने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। और भारत के नमकखार मुल्की और गैर मुल्की अनासर इस प्रोपेगेंडा मुहिम में भारत के दस्तों बाजू बने हुए हैं। हमें आस्तीन के इंसाफों को बेनकाब करके कड़ी सजाएं देनी चाहिए ताकि मुल्की सालमियत को खतरा ना हो। दोस्तों, यूएनओ में हर साल तकरीरें होती हैं, एक से एक तकरीर यादगार होती है, मगर जो तकरीर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान करके आए हैं ये बरसों तक यूएनओ के ऐवान में गूंजती रहेगी। ऐसी तकरीर किसी और के बस में नहीं, ये तकरीर वही कर सकता है जो मरने से नहीं डरता, जिसे जीने का शौक लाहक नहीं। दुनिया ने इमरान खान का फैसला सुन लिया, भारत में हर कोई लर्जा बरंदाम है। भारतीय मीडिया और इसके लीडर पाकिस्तान को बेनक्श सुना रहे हैं, वो इमरान खान को इंतहा पसंद साबित करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, मगर इमरान खान ने तो खुद कहा है कि वो वॉर ऑन टेरर के खिलाफ था। 9/11 में कोई पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं था, मगर पाकिस्तान के 70,000 लोग वॉर ऑन टेरर में शहीद हो चुके हैं। खरबों का नुकसान हमारी मईशत को पहुँचा, यही दहशतगर्द जिनके खिलाफ हमें लड़ने पर मजबूर किया गया, ड्रूम और के तकाजे किए गए, यही मुबैना दहशतगर्द सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़े थे तो अमरीका ने उन्हें माली और असले की इमदाद दी थी और उन्हें मुजाहिदीन कहा था और उन्हीं को व्हाइट हाउस में ज़ियाफ़त पर बुलाया गया था। अमरीका का जब जी चाहे किसी को हुर्रियत पसंद और मुजाहिदीन कह दे और जब चाहे इसी को दहशतगर्द कह डाले। अब भारत इसके नक्शे कदम पर चल रहा है, इसने 2 माह से 80 लाख मुसलमानों को कैद कर रखा है। भारत की कोशिश है कि वादी की आवाम के दिलों में नफरत की आग भड़का दे और जब यही अफराद इसके खिलाफ सीना सुपर होंगे तो भारत शोर मचाएगा कि पाकिस्तान इन दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है और फिर वही होगा जो इस साल फरवरी में हुआ है। भारत हमला करेगा, हम जवाब देंगे। हमने इसका जवाब दिया और 2 तैयारे गिराए, एक हवाबाज पकड़ा और हमने उसे फौरी तौर पर रिहा कर दिया क्योंकि हम झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहते थे। हम भारत के साथ अमन चाहते हैं, मगर इसने हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी तस्वर कर लिया है और अब इल्जाम लगा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर 500 जहादी वादी में दाखिल होने का इंतजार कर रहे हैं। मगर मैं पूछता हूं कि एक तरफ भारत की 9 लाख फौज, इसके सामने 500 अफराद की क्या हैसियत है। दोस्तों, इमरान खान साहब की तकरीर पर हाल बार बार तालियों से गूंजता रहा, ये इज्जत और पजीराई किसी किसी को नसीब होती है। इमरान खान की तकरीर थी या एक ललकार, ये तकरीर थी या एक नारा मस्ताना। इमरान खान ने खुद कहा कि वो धमकी नहीं दे रहे मगर वार्निंग दे रहे हैं कि अक्वामे मुत्तहिदा ने वो फर्ज अदा ना किया जिसके खातिर उसे वजूद में लाया गया, तो फिर नताइज कश्मीरियों को नहीं, पाकिस्तानियों को नहीं, भारतीयों को नहीं, पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। इन अल्फाज का मतलब हर कोई जानता है, हर कोई समझता है। भारत वाहिद हिंदू रियासत है या हिंदू रियासत बनना चाहता है, ये मिट गया तो दुनिया में हिंदू रियासत कोई और नहीं रहेगी। इमरान खान ने वाजे कर दिया कि इस्लामोफोबिया किस तरह फैलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाए तो किसी को मुसलमान के जज्बात का ख्याल नहीं होता। कोई तालबा हिजाब में कॉलेज चली जाए तो उसके खिलाफ शोर मच जाता है जैसे इसने हिजाब नहीं कोई कलाशनकोफ हाथ में थाम रखी हो। मुसलमानों के खिलाफ तासब का मुजाहरा एक मुनज्जम प्लान के तहत जारी है। यहूदियों ने इस तासब में फलस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कुशी की। अब भारतीय वजीर आजम मोदी तासब की आग में मुसलमानों को भस्म करना चाहता है जबकि इस्लाम अमन और सलामती का दीन है। खान साहब ने कहा कि सभी आदम की औलाद हैं और किसी को किसी पर फौकियत हासिल नहीं। इस्लाम ने गुलामों की इस कदर इज्जत अफजाई की कि गुलाम बादशाह बने और सदियों तक मुसलमानों पर हुकूमत करते रहे। इस्लाम रंग, नस्ल और मजहब की तफरीक का कायल नहीं, लेकिन आलम इस्लाम के खिलाफ नाहक एक मुहिम इस्लामोफोबिया के नाम पर चलाई जा रही है। ये काम हिटलर और मुसोलिनी ने किया था, अब मोदी करना चाहता है। वो हिंदुत्वा के मुतासिबाना फलसफे का पैरोकार है, वो भारत में हिंदू के सिवा किसी के वजूद को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। यही फलसफा हिटलर और मुसोलिनी और नाजियों का था। दुनिया को इस नस्ल परस्ती और बालादस्ती के जाम को खत्म करने के किरदार अदा करना चाहिए। इमरान खान साहब ने अमेरिका के पूरे दौरे में इन्हीं नुकात को दोहराया है जिनका इजहार उन्होंने जनरल असेंबली के तारीखी तकरीर में किया है। इस तकरीर ने पाकिस्तानी वजीर आजम को दुनिया के मुदब्बिरीन की फहरिस्त में ला खड़ा किया है। इस तकरीर ने पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद कर दिया है, हमारी गैरत और हमारी हमीयत का अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो दोस्तों, हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और इसके साथ साथ हमारे कश्मीरी भाइयों को भी अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे
और उन्हें आज़ादी की नेमत से जल्द हमकिनार करे। और पूरी दुनिया में जहां जहां पर भी मुसलमानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। सो दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, फ़ी अमानिल्लाह।